Happy birthday to you. But this place is so crowded. ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਸਾਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਆਬਾ ਜੀ ਸ਼ਿਕਫਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਰ हाँ ठंड है। कल से ही, कल जब वेटिंग नहीं चली थी तब पता चला था। सही, वो सामने देखो कुरान प्ले करते हैं और आयते वायते लगाते हैं। सेंटर आए हैं अभी हमने बूट्स में याया के विटामिन और मेरी समधन के विटामिन हया ने लिए सीमी के लिए। वहाँ जाके मैंने सुना है कि ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं खाने के, इट्स अ बफे सिस्टम। तो आज तो हमने अन्नी पा देनी है एंड आई विल गिव यू माय ऑनेस्ट रिव्यू एज टू हाउ द फूड इज। तो हम वहाँ पहुँचते हैं तो आपको बताती हूँ कि किस एरिया में कहाँ है। अभी हम सेंटर से जा रहे हैं। विटामिन्स नहीं मिले मुझे याया के, यहाँ पे स्टॉक भी नहीं था, तो ये वाला बूट्स मुझे कोई इतना इम्प्रेस नहीं किया। मुझे अपने टूथब्रश के हेड्स लेने थे, वो इतने लॉक करके रखे हुए, कन्वीनियंट नहीं है कस्टमर के लिए। मैंने मैनेजर से कहा यू शुड मेक इट ईजी फॉर योर कस्टमर। ये है जी रौनक इस जगह की। चलें जी, ऑल सेट, गाड़ी हमारी आ रही है एक मिनट में और आपको लेके चलती हूँ मर्जी रेस्टोरेंट। मुझे तो एरिया का नाम भी नहीं पता क्या है, आज जाके बता। इनसे मिलिए जी, ये है काशिफ और निब्बी। काशिफ और निब्बी, आपको स्टोरी सुनाए? हाँ। सुना, अभी नहीं, बाद में। अच्छा ओके। That I've never seen before. Good house hoga. देसी स्वाद लाहौरी डेरा दावत। लेकिन इनकी ये जो रोटी है ना, मटर की मीठी, सो गुड। ये लोग तो अभी स्टार्टर पे ही है। बट दिस प्लेस इज सो क्राउडेड, द हॉल इज़ फुल ऑफ पीपल एंड जिससे लगता है कि हाँ यहाँ का खाना वाकई अच्छा। और मुझे भी अभी तक टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। जितने खाने मैंने यूके में खाए हैं, आई थिंक ये इनका टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक पाकिस्तानी है। वेरी वेरी नाइस। ये क्या होता है? पकौड़ा, पकाड़े, पकाड़े। कभी नहीं छोड़ेंगे अगर कोई फंबल हो जाएगा मुझसे। खाना मैंने खा लिया, अब मैं जा रही हूँ डिज़र्ट की तरफ। आधी डिशेस मैं ट्राई नहीं कर सकी बिकॉज इट्स टू मच। एक एक बाइट भी आपने तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आई एम ऑन डिज़र्ट नाउ। दिस इज़ फिरनी, फिरनी लौकी हलवा एंड गुलाब जामुन एंड दिस इज़ ओमली सम इजिप्शन डिज़र्ट पुडिंग। लौकी हलवा, यू लाइक लौकी हलवा? आई लव लौकी हलवा। चटना थोड़ा सा। ये है जी व्यू, कोई 11 बजे बट स्टिल दे आर नॉट डन। दिस इज द पाम कॉर्नर। और आज मैं इनके हाथ का पान खाऊंगी। यस, बहुत स्पेशल पान मैडम, बहुत जबरदस्त पान। ये देखें, स्वीट पान। ये देखा आप कितना बना के रखते हैं ये, और ये इन्होंने खुद बनाया है। खुद बनाया। अच्छा, मैं देखा वो एक पान वाला, वो ना ना लुक लाइक बाय वी मेक इट सो नाइस डिजाइन, यू सी, सेम सेम, यू सी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तरह का प्री बर्थडे गिफ्ट है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल।
गेस व्हाट, हम जा रहे हैं बर्मिंघम और मड़प रहा है ना ये इन्नी असाड़ी कजन आई उदे कार वैने पे आ ता उत्थे मां उन्हें क्या आख्या है कि मैं खासा करेले गोश्त ता चलो वेखने आ केजे पक्के ने ता उ खांगे फिर सारे रल के देसी घ्यो च ये भी माड़ी फरमाइश आई कि देसी घ्यो च पकने चाहिए ने तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि खाना जो है ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट फैट इट इज़ लेकिन पक के नहीं कच्चा सैलड्स पे डाल के क्योंकि जहाँ से ये आया है वो लोग इसे इस तरह खाते हैं और इसका पकने के बाद कोई फ़ायदा नहीं रहता बल्कि थोड़ा सा नुकसान ही होता है सो देसी घी सरसों का तेल कोकोनट ऑयल ये तीन फैट ऐसे हैं जो पकने के बाद फ़ायदेमंद रहते हैं सो बचपन में मुझे याद है हम लोग सरसों के तेल में पकौड़े फ्राई करते थे रमज़ान में और क्या उसकी खुशबू होती थी और क्या टेस्ट होता था उस वक्त तो खैर रीज़न ये होता था कि वो सस्ता है लेकिन अब महंगा भी हो गया है तो अब ऑलमोस्ट बाकी ऑयल्स की प्राइस में ही है तो कोशिश करें कि उस रूटीन पे वापस आएँ इस रमज़ान मेरा पूरा इरादा है कि बच्चों को भी मैं थोड़ा सा वो टेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊँगी कि भाई ये तेल जो है ये सबसे अच्छा है तो चलें जी कमिंग बैक वी आर ऑन मोटरवे बर्मिंघम जा रहे हैं मैं एक दफ़ा गई हुई हूँ और बस मुझे तो लग रहा था कि मैं तारिक रोड आ गई हूँ वो पीछे वाली गली जो है ना दुपट्टा गली वहाँ पे आ गई तो इस वजह से इतना मैं घूम फिर नहीं सकी तो अब ज़रा किसी दावत पे जा रही हूँ माय गॉड सन फील सो गुड तो आज दिन भी अच्छा है मौसम जो है काले काले बादल भी हैं फिर सूरज निकलता है तो बंदा पागल ही हो जाए रह के मौसम इतनी जल्दी रंग बदलता है बट इट फील्स नाइस बारिश हल्की हल्की हो रही है कोई वो बॉदर करने वाली नहीं है सर्दी भी बिल्कुल मज़े की एंजॉय करने वाली है तो आपकी उनसे मुलाकात कराती हूँ रास्ते में दिखाती हूँ कोई अच्छी चीज़ आई तो मैं आपसे शेयर करूँगी एंड ऑल सेट बाजी ऑल सेट बाजी देसी क्यों खाने आ देसी क्यों खासा ना खासा ना हाँ तो अपनी जुत्ती तो खा मैं जुत्ती जरिए ऐ जुत्ती ओ, ए, देखो ओ, ए, ए, माड़े माड़े भरा के तुसी हल्का नहीं लेना ओला नहीं लेना वैसे बच्चे अभी हम हाफ में करेले गोश्त की मैंने फरमाइश की है देसी घी में बने हुए तो लेट्स सी वो कैसे बने होंगे मतलब अगर ये है शहजाद की कजन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व्हाट्स योर नेम जुबैदा जुबैदा यस ही टोल्ड मी मेरी आंटी पोपो 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 यस कजन अब्बू की कजन लगी अब्बू की कजन अच्छा 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 ओके या और ये देखें जी जो मैं देख के बहुत फैसिनेट हुई हूं ये मंजी पावे नजर आए ने मनु और मैं उठ गई हूँ एहतराम में एंड दिस इज ब्यूटीफुल हाउस माशाल्लाह नाइस एंड ब्राइट आई कैन हेल्प यू विद दिस किचन में आ जाए करेले गोश्त
क्यों आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? मैंने तो सिर्फ करेले गोश्त बोला था. एनीथिंग फॉर आबाजी शगुफ्ता. एनीथिंग. अब खुशी आपसे. आपसे ये लाहौरी, आई थिंक इट्स कॉल्ड लाहौरी सायका. शो मी द चॉप्स. Oh my god, they do look very nice and very tender. Auntie, look what you do. ये देखें जी कितना ज़बरदस्त एरिया है. सो रिलैक्सिंग, सो नाइस. यहाँ पे इन्होंने कंजर्वेटरी बनाई हुई है. इसकी हीटिंग से पूरा वार्म हो रही है. शामी कबाब रोटी. हम ड्रिंक्स नहीं लेते. वो जो वापसी का सफ़र शुरू हो गया और हम पहुंचने वाले हैं. इट वाज नाइस. शहजाद की रिश्ते में पुप्पो लगती हैं ज़ुबैदा, बट शी डिडंट लुक लाइक हिज पुप्पो. मच यंगर एंड बेटियों से भी मिले. वेरी नाइस गर्ल्स. दिन में गए थे और रात में आ रहे हैं वापस. एक घंटा पहले पहुंचते हैं हम अगर वो एक्सीडेंट और वो चक्कर ना होता. प्लान ये है कि हया और तलहा सोच रहे हैं कि हम प्रॉन्स खाने चलें, क्योंकि मेरे पास बीच में एक ही दिन है एंड परसों आई एम गोइंग बैक. तो मैंने कहा चलो मैं आ जाऊं, देखते हैं क्या प्लान करते हैं. सो लेट मी गेट होम. आज हया की हाउस हेल्प भी आई हुई थी तो घर बहुत साफ सुथरा चमक रहा था. जितने काम पेंडिंग थे वो सब क्लियर हुए हैं. तो बाजी जी, डिड यू एंजॉय द फूड? यस आई एंजॉयड द फूड. डिड यू एंजॉय बाजी? बहुत. डिड यू एंजॉय द टाइम? आई एंजॉयड द कंपनी द मोस्ट एंड आई एंजॉयड योर पुप्पो. वैसे मेरी पुप्पो का नाम भी ज़ुबैदा था. अच्छा. या सो I had fun and she has a beautiful house. Mashallah, mashallah, chashme baddur. वापसी पे हमने फिर चीज़ें लेनी थी. कल तलहा के लिए बनानी है बिरयानी. मैंने उससे पूछा था what is your favorite food? He said बिरयानी. तो कल तलहा के लिए बिरयानी बनानी है एंड आप लोगों को बता रही हूँ. हया प्लान कर रही है कि मेरे होते होते कुछ तलहा के दोस्तों को बुला के खाने पे सरप्राइज़ दे दे बर्थडे का. हालांकि है तो 28 को, बट वो पहले करना चाह रही है. सो कल बहुत काम होंगे. टुमारो इज़ गोइंग टू बी बिजी. ये बंद कर दिया तुमने, समझ आ गया? अच्छा हाँ भाईजान. तो चलेंगे, अबाउट 10 मिनट्स विल बी होम. जहाँ के प्रॉन्स बहुत ज़बरदस्त है. दिस इज़ द व्यू. लेट्स गो. कितनी भूख लगी? काफ़ी फुल. मिल रही है. किलर प्रॉन्स, वाकई किलर प्रॉन्स.
ये भी आया है हमारा खाना फाइनली एंड दिस इज हाउ यू डू इट। एक ही बाल्टी ना राजा भाई, आई थिंक ये वाले छिलके खा सकते हैं। छिलके? हाँ, क्योंकि मैंने छिलके ग्रिल किए हैं। बस एक ही सही है, जस्ट वन। हाँ जगह नहीं है, चलो। थैंक यू, थैंक यू। ये हो गया प्रॉन तैयार, अब इसमें क्या जाना चाहिए? बटर, गार्लिक बटर। वाह वाह, चलें जी अब हम खाना शुरू करने लगे हैं। टेस्ट तो हमें पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी रेकमेंड किए थे, दे आर वेरी वेरी नाइस। सेंट्रल का व्यू, डीन्स गेट स्क्वायर, जो मैं आपको पहले गाड़ी में चलते हुए दिखाया था, मगर अब आपको पैदल दिखा। हम लोग अभी खाना खा के निकले हैं और पैदल हम जा रहे हैं फ्रोयो खाने। मुँह से धुएँ निकल रहे हैं, 3 टेम्परेचर है, सर्दी बहुत हो रही है, तो बस मज़ा आ रहा है। उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर कुछ टीवी पे देखेंगे और सो जाएंगे। दैट्स इट। ये है जी मिडलैंड्स होटल, वहीं सेंट्रल में, एंड दिस इज़ दी beautiful. कैसे खाना है इसका? पता नहीं खाए हुए। अच्छा बताओ जिमी के लिए कौन से प्लान है? इसके आशा भोसले रेस्टोरेंट बताओ, जिमी के लिए प्लान के प्लान या आशा के प्लान? जिमी ना। गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। इस वक्त किचन में, हया के किचन में हम लोग हैं। कीमा तो मैंने बना दिया है और पराठे मैं चढ़ा रही हूँ अभी। सुबह उठ के मैंने कहा ये लोग लेट सोए हैं और वीकेंड पे तल्हा बेचारे की ड्यूटी होती है, दोनों काम करते हैं, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी उठ के इनको नहीं उठाती, तो मैंने वो कीमा तो रात में बना दिया था कच्चा पक्का, फिर उसमें आलू डाले हया के लिए, बिकॉज तल्हा को कीमा अच्छा लगता है। आज तल्हा की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी है, कीमा बेसिकली उसी के लिए बना है, लेकिन बहुत, और पास्ता भी बन रहा है, फिर उसके बाद बिरयानी मैं बनाऊंगी। ये ऊंचा बोल सकते हैं, ऊपर चलेगा। अच्छा बिरयानी बनाऊंगी मैं मटन की, और साथ में डिजर्ट का देख लो, टॉफी पुडिंग, चीज केक, ब्राउनी, ऑल द पीपल, या एवरीवन। तो हमने कोई 10-12 लोगों को बुलाया है, एंड तला के दोस्त, उनकी बीवियाँ, और मैं पराठा बना रही हूँ। नाश्ता भी आज स्पेशल है, ये देखिए। कीमे के साथ, तो जी चले हम अपना नाश्ता करते हैं। कीमे के साथ मैं एक रायता बनाती हूँ, जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आप कभी ट्राई कीजिएगा भुना हुआ कीमा। उसके बाद आप लें दही, दही में आप डालें कुटी मिर्च, दही में आप डालें जीरा, दही में आप डालें काली मिर्च, नमक, और साथ में 2 जवे लहसुन के कूट के डाल दें, तो ये वो रायता रहेगी, सिर्फ इसमें लहसुन डलेगा, और फिर जो कीमा आप बनाएं उसके ऊपर इसे डाल के खाएं। चले मैं पराठा पलटूं, फिर आपसे बात होती है। भाई आप लोगों ने ये भी पूछा है कि हया हर वक्त इनिट इनिट क्या करती रहती है, तो इजंट इट का शॉर्ट फॉर्म है इनिट, है ना? है ना, है ना, है ना, बोलते ना, है ना? हाँ। तो ये मेरा पहला पराठा उतर गया है तब ऐसे, बहुत मजे का। तुम लोग खा कौन? दूसरा जा रहे हैं कीमे के साथ खाओ। मम्मा सब से कीमा, कीमा कीमा होता है बेटा, कीमा डैडी बोलते हैं। हाँ तो डैडी की याद में ही तो कीमा बनाते हैं, मैंने डैडी को इतना याद किया है। दिस इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। उफ, द लेमन जूस, हम मेक्स इट अमेजिंग। चलो शुक्र है, चलो अब दूसरा पराठा चढ़ाओ। मटन बिरयानी की तैयारी हो रही है, मटन ले के आए। ओके बेटा अब वहाँ से आ रही हूँ मैं, आ जाओ। ये भी उतर डालूँगी मैं, और मैं अमेजोन पे तो बच्चों में इधर साफ हो रहा है।
साफ सा घर मतलब सेट हो रहा है, टाइडी हो रहा है, टाइडी। ये मैंने मीठा बनाना है। सब चीजें सेट करनी है। टमाटर मैंने काट के रखे हैं जहां जगह मिली। गोश्त भून दिया, भून रही हूँ। हया मैडम तैयारी कर रही हैं। यस बेबी, कौन आ गई? जिंदगी में जगह जगह सरप्राइजेस होते हैं, लेकिन आज मुझे इतना कोई प्लेजेंट सरप्राइज मिला है कि हमने केक ऑर्डर किया। आई न्यू आई मेट दिस ब्यूटीफुल लेडी। असमत तो मुझे याद थी, बट तो वो केक हमने ऑर्डर किया तलहा के लिए एंड शी इज गॉट इट राइट नाउ एंड इट्स ब्यूटीफुल। इट्स कॉल्ड द बर्नट केक। बर्नट केक एक नई टेक्नोलॉजी, वो हम आपको दिखाएंगे। जब कैंडल जलाएंगे तो ये ऊपर वाला जो फुटबॉल का एक पिक्चर है ये गायब हो जाएगी और नीचे से निकलेगा हैप्पी बर्थडे तलहा। तो आई शो यू द केक एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर हियर और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आप लोगों ने ज़रूर यहाँ से केक ऑर्डर करने हैं। शी इज़ अमेजिंग। मैं तो बहुत ही हैरान हुई हूँ और बहुत खुश भी हुई हूँ टू मीट हर एंड फॉर हर टू बी हेयर। इट्स ए बी केकरी, ए बी अंडरस्कोर केकरी, ठीक है। तो जो भी यूके में रहते हैं उनका तो ये मसला हल हो गया। तो आई शो यू द केक नाउ। वेट, आर यू सपोज्ड टू टेक दिस ऑफ? ये सारी तैयारी हो रही है। 32 का हो गया मेरा बेटा माशाल्लाह। आज नहीं, 28 को, बट दिस इज हिज प्री बर्थडे एंड दिस इज असमत। बहुत अच्छा लग रहा है असमत मिलके, मुझे इतनी खुशी हो रही है। I'm just so excited and happy to see you. Thank you. Cupcakes, Asmat laayi hai. They are milk cupcakes. Aur ye jo upar laga hua hai, ye upar jo straw sa hai, isme extra milk hai. You just squeeze it, press it, and you get extra milk. The house is still a mess. A lot being done. ये देखिए जी, यहाँ पे तैयारी हुई है और ये समझ रहे हैं कि मैं तलहा हूँ। तो अभी मुझे बिल्कुल वैसा ही वेलकम मिला है। किचन का हाल ये है। असमा ब्रॉट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड पास्ता मैंने गरम कर दिया है, कीमा भी गरम कर दिया है। बिरयानी का दम खोलते हुए मुझे डर लग रहा है, अभी दम लगा नहीं है इसकी। कीमा गरम हो गया, बस नान के लिए करके बना रही हूँ। टेबल सेट, ये है मेरी बिरयानी। हिलाने के लिए मुझे कोई लोहे का परफेक्ट से आया। बहुत टोपिया कराएंगे पहले। सच से बताओ, हाँ
When did you know? Just now. I just found out. That's a lie. नहीं सही बताओ. तुमने मुझे स्टोर में कहा था कोई बड़ी दावत हो रही है जो इतनी चीजें क्योंकि आप सामान उस हिसाब से ले रही थी. अच्छा. नहीं सही बताओ कब पता चला? हाँ नहीं. नहीं पता पूरा दिन हम लोग लगे. इसका चेकअप होगा. क्यों नहीं पता चला इसको? पूरा दिन हम लोग लगे थे. You still didn't have it. नहीं. Go see your cake. Oh yeah. Not just this. Thank you. I just said that. The car is more to come. Why did you do that? I knew you would do that. This one you want. This will need to be there. इसलिए वैसे पूरा कट जाएगा वो. ये कल के फाइनल के बैच गलत आ गए हैं. सॉरी. अच्छा. ओके. जब तक चेल्सी हारेगी तब क्या? ये यूनाइटेड होनी चाहिए थी. हाँ. लिवरपूल नहीं होनी चाहिए. तब तक पर्सन मेकिंग इट डिडंट नो. ऑल राइट. ओके. दैट्स व्हाई. बट इट्स ओके. ये कुछ हम नो आईडिया. मैं इसके लिए मतलब अभी इनके साथ था. मैं इनसे ये कह रहा था कि मेरी वजह से बहुत लोग कर रहे हैं बाय नाउ लाइक फ्लफी ने तो मुझे बाय बाय बोल दी इतना प्यार करा के. जी जी करा लो प्यार करा लो. इसका पेट खाली लग रहा है. चलें जी. 2 घंटे की नींद करके अभी उठी हूँ. मेरी बेटी ने नाश्ता बना के दिया है और उसके बाद हम रवाना हैं एयरपोर्ट के लिए. तो आज वापसी है मेरी. आई होप एवरीथिंग गो स्मूथ. समझ नहीं आ रही यहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है. पहन के क्या जाऊँ. यही ठीक है मेरा ख्याल. विल मिस यू. विल मिस यू मोर. मैं पहुंच गई हूं जी दोहा एयरपोर्ट पे और अब 1-2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है कराची. बच्चों से मिलूंगी. रास्ते में बहुत अजीब सा रहा. कभी सोई कभी जागी. बट अपेरेंटली मेरी 2-3 घंटे की नींद हो गई. सो अब बच्चों के पास जा रही हूं. वेरी एक्साइटेड. या मुझे हमेशा सालों पहले सरोस्की से कुछ दिलाते थे तो आज उनकी याद में मैं ख़ुद अपने लिए कुछ ले रही हूँ. आई एम लुकिंग फॉर आई लाइनर पेन for my daughter. How much is the angel? The classic one. भाई ईमान को चाहिए कि ये काय लाइनर पेंसिल जो आंखों में भी लगा सकें और बाहर भी. थैंक यू. थैंक यू. नंबर इस भालू के साथ अनिया के साथ पिक्चर बनना. तुमसे बहुत मिस कर रही हूँ. C41 है जी गेट नंबर. मैं जा रही हूँ अभी. बच्चों के मैसेज आ रहे हैं. बहुत एक्साइटेड है नबिया ईमान. मैं भी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए. अभी आधा घंटा नहीं बल्कि अभी 1.5 घंटा है मेरी फ़्लाइट में और मैं ट्रैक पे आ गई हूँ. C4 पे हूँ. C45 है. तो मैंने सोचा क्यों ना आधे घंटे का मसाज करा लूँ यहाँ पे. नेक एंड बैक मसाज. मेरी नेक वैसे भी बहुत स्टिफ हुई हुई है. सो आई एम हेयर. इसके बाद मैं सीधा जा रही हूँ गेट पे और घर. ये वाली साइड मैंने अभी देखी है आज. गार्डन वाली साइड पे गए हैं आप?
It's a bus journey to the aircraft, which is very, very uncomfortable and inconvenient. Carrying all the baggages, just get down and then climb all the stairs of the aircraft. It's not a very good experience with Qatar this time because ek to inki airport service jo hai wo bahut kharab aur uncomfortable hai ke bus se aaye hain hum log bus ke zariye aao bags utha ke seedhiyan chadho aur Manchester mein bhi airport pe 3 floor niche utri main do apne cabin bags aur ek backpack leke to I feel like thoda sa unko apni ye cheez behtar karni chahiye otherwise फ़्लाइट एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है. मैनचेस्टर से दोहा तक का अच्छा नहीं था बिकॉज़ वहाँ पे क्यू स्वीट्स नहीं थी तो वो एक मैं तो फिर सो गई फ्लैट किया एंड आई जस्ट स्लेप्ट बट अदरवाइज यहाँ से जब हम गए थे कराची से मैनचेस्टर वो बहुत कंफर्टेबल तो ये तो 2 घंटे की फ़्लाइट है अभी गुजर जाएगी यहाँ पे क्यू स्वीट्स हैं तो चलें जी कराची में बच्चों से मिलती हूँ. वेरी वेरी एक्साइटेड बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं. ये जो मसाज मैंने कराया था मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन टू माय सेल्फ और मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए ये. एंड आई विल I don't वालेकुम अस्सलाम कैसे हो राहिब हाँ इधर है डैडी मैं तो उधर जा रही हूँ डैडी के पीछे 100 रुपए नहीं 1000 रुपए अच्छा इसके लिए और तो इस बेला की बेली मेरी बेला की बेली पोपो का पोपी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आई एम फाइनली होम एंड आई टेल यू देर इज नो प्लेस लाइक होम. बच्चे इतना खुश हुए मुझे इतना सुकून मिला मिलके अपनी फैमिली से घर में आके और बस दैट्स इट. दिस वाज माय जर्नी यूकेडी सीरीज अ शॉर्ट वन एंड बैक टू पाकिस्तान सीरीज नाउ. मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द. तब तक आप अपना अपने प्यारों का बहुत सारा दिल से ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबको नागहानी आफात से और बुरे लोगों की सोहबत से बचाए. आमीन सुम्मा आमीन. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.